सखुआ गांव के राजा पोखर में लगा बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट में 525 किलोवाट बिजली का उत्पादन हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी पंचायत अंतर्गत सखुआ गांव के राजा पोखर में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट आज से काम करना शुरू कर दिया। बताया गया कि करीब 525 किलोवाट बिजली का उत्पादन इससे किया जा रहा है। मालूम हो कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आकर इस प्लांट का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर न सिर्फ तैयार हुआ है बल्कि बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। उत्पादित बिजली को नजदीक के पावर स्टेशन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार गांव में सप्लाई की जा रही है। जानकारी मिली है कि करीब 3 करोड़ की लागत से बनी इस प्लांट के माध्यम से नीचे मछली ऊपर बिजली के तर्ज पर विकसित किया गया है, ताकि प्रदूषण सहित बिजली उत्पादन करने का सप्लाई किया जा सके। मौके पर मौजूद कंपनी के इंजीनियर गावास्कर पांडे, जितेंद्र पासवान, ज्योतिमय दत्त ने कहा कि प्लांट के माध्यम से 525 किलोवाट बिजली का उत्पादन आज से शुरू हो गया, जिसे नजदीक पावर स्टेशन में भेजा जा रहा है। वहां से बिजली विभाग द्वारा इस उत्पादित बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सखुआ के राजा पोखर में लगे इस सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट से जहां आसपास के इलाकों में बिजली की कमी पूरी की जाने में मदद मिलेगी, वहीं प्लांट के लग जाने से इलाकों में खुशी का माहौल है। विभागीय जानकार कहते हैं कि यह बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, लिहाजा इसके सक्सेस होने के बाद अन्य जिलों का अन्य जगहों पर भी इस तरह के प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे बिजली की कमी को पाटने में मदद मिलेगी। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, इसमें विदाउट पोल्यूशन प्रोजेक्ट है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिससे कि इसमें मेंटेनेंस कम है और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम है। और अच्छा है कि हम लोग बीच में जो ये साइट आया है, प्रोजेक्ट आया है, पोल्यूशन नहीं है इसमें और मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो नीचे आप देख ही रहे हैं, हमारे इंजीनियर भी बोले हैं, हमारे लोग बोले हैं जनसल से। तो ये नीचे मछली रखना, ऊपर वो बिजली, और उसमें हमारा जो है सन लाइट से जो भी हमारा लाइट आ रहा है उससे हमें डीसी से एसी कन्वर्ट करके हम फीडर में दे रहे हैं, फीडर से हम दे रहे हैं, ट्रांसमिट करके दे रहे हैं, जो हमारे गांव के यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। और कितना उत्पादन होता है इससे? इसे 525 किलोवाट का साइट है, तो 500 हम एसी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार पासवान। 525 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें से हम लोग विद्युत उत्पादन करेगा, उत्पादन करके हम लोग गवर्नमेंट बीडा बिहार रिन्यूअल पावर डेवलपमेंट, इसको हम लोग सप्लाई दे रहा है। वो लोग इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जहाँ देना है जहाँ देगा। तो ये चालू हो गई है क्या? ये हाँ चालू हो गया है, अभी प्राइमरी चालू हो गया है, फाइनली काल चालू हो गया है। अभी धीरे धीरे इसको लोड हम लोग बढ़ाएगा, इसको प्रोसेस अभी चल रहा है। कितनी उत्पादन होती है इसमें? इसमें से 525 किलोवाट, और हम लोग जिंसल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का तरफ से, हम सीनियर इंजीनियर हूँ, ज्योतिर्मय दत्ता मेरा नाम है, और मेरा साहब अभी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर जितेंद्र कुमार पासवान, और सीनियर और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा जेंसल इंजीनियरिंग का है, उनका नाम है गवेशकर पांडे जी, इन्हीं है मैनेजर, ठीक है। तो आप लोग भी आइए। ये जैसा कि आज से चालू हो रहा है, ये 525 किलोवाट का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, नीचे मछली ऊपर बिजली, ये बिहार सरकार की एक योजना है नीतीश कुमार जी की। उन्होंने बोला कि ऐसा बिजली पावर प्लांट बनाएंगे जिसमें नीचे मछली भी रहे और ऊपर बिजली भी हमें मिलती है, जिससे मछलियों को नुकसान ना हो, मछली भी रहे, व्यापारी भी खुश रहेंगे और बिजली भी जनरेशन होगी। तो इससे जो है गाँव की बिजली की जो कटौती की समस्या थी वो दूर हो जाएगी। गाँव में बिजली जो है कट जाती थी, अब इससे क्या है कि यहाँ पे बिजली सरप्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे गाँव के लोगों को फैसिलिटी है इससे।